हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। मैं फिर से लाया हूँ आपका इंडियन एयर फोर्स नेवी SSR-AA का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 से बने त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का नियामक। तो जी हाँ, गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का जो होता है, तीनों अगर वर्टिसेस दिया हुआ रहे और हमें सेंट्रोइड का पूछे है कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो ऐसा हम प्रैक्टिस सेट पीछे के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ऐसा क्वेश्चन देख पाए थे। तो ये फार्मूला बेस्ड है। तो तीनों एक्स कोऑर्डिनेट्स जो वर्टिसेस है उसको जोड़कर 3 से डिवाइड करते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट्स है उसको तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, X1 + X2 + X3/3 और Y1 + Y2 + Y3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी रेखा के अक्षों पर क्रमशः अंतःखंड हैं जो रेखाओं को समीकरण बोल रहा है कि ए और बी रेखा के अक्षों पर क्रमशः अंतःखंड है। तो अंतःखंड होता है X/A + Y/B = 1। तो ये ज्योमेट्रिकल का बिल्कुल प्रॉपर्टीज वाला इक्वेशन है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु 0 0 और एक इक्वेशन दिया है, उसका लंबीय दूरी लंबवत दूरी क्या है। तो बिल्कुल ये भी फार्मूला है। ये फार्मूला जो बनेगा 0 0 से लेकर, और एक समीकरण है, तो उसका जो लंबवत होगा वो होगा +/C/√A² + B²। तो यहाँ हो जाएगा +C/√A² + B² जो कि एक कांस्टेंट है और मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु A·√² + B·√² तो उतना ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक दीर्घवृत्त है, उसका बिंदु एक X1 Y1 है, तो उसे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। तो अगर कोई भी अगर वृत्त का इक्वेशन रहे और एक कोऑर्डिनेट्स रहे और उसका बोलेगा कि स्पर्श रंग रेखा की समीकरण क्या होगा किसी पॉइंट से, जैसे X1 Y1 से, तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज होता है X X1 / A² + Y Y1 / B². X1 Y1 जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है उससे बराबर 1। तो ये समीकरण होता है। और अगर ये X बनेगा तो X²/A² / Y² / B² = 1 बनेगा। तो ये कोई कोऑर्डिनेट्स को लेकर अगर किसी भी वृत्त का स्पर्श रेखा का समीकरण पूछेगा तो यही होता है। नेक्स्ट है एक पाराबोला का इक्वेशन Y²/4S बराबर है, जिसको बोलते हैं हिंदी में, के लिए एक शीर्ष ए का नियामक क्या होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो देखिए Y²/4AX है, तो ए के लिए नियामक क्या होगा। तो ये खुद पाराबोला का होता है, तो पाराबोला का ये जनरल इक्वेशन है, तो शीर्ष ए का नियामक होगा वो कोऑर्डिनेट्स मूल बिंदु होगा, मतलब 0 0 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन कितना का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए राइट आंसर पहला बनेगा। सॉरी, ये साइन 0 का तो वैल्यू 0 होता है, लेकिन जनरल इक्वेशन बताना है कि जनरल कितना होगा। तो एन में पाई से एन का वैल्यू 0 रखेंगे, साइन पाई का भी वैल्यू 0 होता है, साइन 2π का भी वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए एन एक इंटीजर होता है और इसको पाई से मल्टीपल करके रखेंगे थीटा का वैल्यू, तो आपको 0 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 82 नंबर, उसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एंगल सी और एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें चाहिए बी का साइड और ए का साइड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हमें बी का साइड निकालना है। तो ऐसा करते हैं, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों कोण का योग 180 होता है, तो उससे हम लोग पहले एंगल ए फाइंड करते हैं। चलिए दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों 180 होता है, हमें एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है, तो यहाँ से एंगल ए फाइंड कर लेंगे। उसके बाद दोनों में एक रिलेशन होता है, A/sin A = B/sin B = C/sin C, जो हम नहीं लिखे हैं, हम सिर्फ दो ही रिलेशन को लिखे हैं, क्योंकि हमें दो ही से काम है, यहीं से हमें बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि बी का वैल्यू जो आएगा, देखिए साइन ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमें 30 निकला है, तो यहाँ 1/sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ बनेगा 4। इस तरह से बी का जो वैल्यू आएगा 2√2 होगा। ऑप्शन देखिए 2√2 कौन सा है, तो 2√2 बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा है। नेक्स्ट बोल रहा है साइन 135 डिग्री, तो साइन 135 का वैल्यू याद रखिए 1/√2 होता है, नहीं तो इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, साइन 135 का हमें निकालना है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, कैसे कैसे चलिए देखते हैं। तो साइन 135 है, 135 को हमने तोड़ा 90 + 45,
135 होता है। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, और सबको वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ से निकल जाएगा 1/√2। अगर ज़्यादा सुटेबल है कि साइन पूरा साइन का वैल्यू याद रखिए कि साइन 135 कितना होता है, 180 कितना होता है, 270 कितना होता है, तो वो जल्दी चीज़ें आसान है, टाइम का भी कम बचत होगा, आप पुट नहीं कर पाएंगे, पुट करने से बचेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेन इनवर्स 1/3 और टेन इनवर्स 1/7 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए टू टेन इनवर्स 1/3 है तो यहाँ पे बनेगा टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगेगा, तो टू टेन इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स 2x/1 − x². तो उसको पहले एक टर्न को तोड़ेंगे फिर दूसरे के साथ, फिर से टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगा देंगे। चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन। तो टू टेन इनवर्स 1/3 है प्लस टेन इनवर्स 1/7 है, तो यहाँ इसका फार्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला टेन इनवर्स 2x/1 − x² लगाया, और यहाँ पे ये बाद वाला चीज़ तो है ही है। अब इसका इसको सॉल्यूशन किया तो अंदर में आया रूट टेन इनवर्स 3/4, और टेन इनवर्स 3/4 आया, यहाँ है टेन इनवर्स 1/7। तो फिर से अगर फॉर्मूला लगाया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 − x² तो यहाँ से अगर फार्मूला बेसिस तोड़ा तो बना टेन इनवर्स 25/28 और नीचे भी 25/28 जो कि कैंसिल होगा एक मरतबा में, तो टेन इनवर्स 1 बनेगा और टेन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होगा वो पाई बाई 4 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा पाई बाई 4। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आया पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 12, 36 इसका सम करना है, सम दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि पांचवा पद क्या होगा, यानी कि हमें पांचवा पद फाइंड आउट करना है। तो आप चीज़ों को देखिएगा तो 4 है 12 है 36 है, ये चीज़ें किस में है, तो ये चीज़ें हमें पता चल रहा है जीपी में है, क्योंकि 4 कॉमन रेशियो सेम है, 4 3 12 12 3 36, यानी कि यहाँ जब कॉमन रेशियो सेम है तो हम बोल सकते हैं कि आर का जो वैल्यू कॉमन रेशियो 3 आएगा, क्योंकि सब 3 बार में कट जा रहा है। अगर हम आगे बात करें तो अगर जीपी में अगर लास्ट टर्म का जो वैल्यू है, लास्ट टर्म में बोल सकते हैं कि जमा पद अगर चाहिए तो हमें यहाँ पांचवा पद चाहिए, तो पांचवा पद का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर के पावर 5 − 1, यानी कि जहाँ जमा पद चाहिए वहाँ आर के पावर घट जाता है। ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म 4 है 4 पुट किया, आर का वैल्यू यहाँ पे 3 आया है, कॉमन रेशियो 3 पुट किया। इस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे तो राइट आंसर बनेगा 324। तो देखिए 324 है कि नहीं, तो बिल्कुल है 324 ऑप्शन नंबर तीसरा में। अब नेक्स्ट जो है सवाल, वो बोल रहा है कि ए है, ए प्लस 1 है, ए प्लस 3 है, ये जीपी में है, तब ए का वैल्यू कितना होगा। तो आपको तो ये इसके पिछले वाला सवाल ही सॉल्यूशन किया कि जीपी में रहता है तो क्या रहता है, कॉमन रेशियो सेम रहता है, जैसे 12 को 4 से भाग किया 3, 36 को 12 से भाग करेगा 3, यानी कि 3 3 बराबर है, यानी कि जीपी में सवाल दिया है, तो एक बोल सकते हैं कि उसका कंडीशन होता है जीपी का, जैसे कि इसका हम सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो ये तीनों जीपी में है, तो जीपी में होने के लिए सेकेंड टर्म बट्टा फर्स्ट टर्म दोनों का कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ए का वैल्यू निकल कर आएगा 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए का वैल्यू 1 है, हमें ए का वैल्यू पूछ रहा था, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि 1/8, x, 3/2 एचपी में है, तो हमें एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो जी हाँ, अगर एचपी में रहता है तो क्या फार्मूला है, एचपी में रहता है तो बीच वाला जो टर्म है किनारे वाला को 2 से गुणा करके और बट्टा में वो दोनों को जोड़ा जाता है। चलिए एचपी का प्रॉपर्टीज दिखाते हैं सॉल्यूशन में। ये तीनों टर्म्स है जो कि सवाल बोल चुका है एचपी में है, तो एचपी में सवाल है, तो बीच वाला जो टर्म एक्स है वो किनारे वाला दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके 2ab AC, अगर ए बी सी टर्म है तो 2ac/a+c होता है, और इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर कट के आएगा 3/13। तो देखते हैं 3/13 कौन सा है, तो 3/13 जी हाँ बिल्कुल तीसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो बोल रहा है z = x + i है, और हमें जेड और जेड का बार चाहिए, तो जेड और जेड का बार का मल्टीपल चाहिए, तो ये मोड ऑफ जेड का स्क्वायर के बराबर होगा। ये वाला सॉल्यूशन सेट पिछले वाले मैथमेटिक्स के सेट में हम पीछे बताए हुए हैं, तो प्लीज़ आप पिछले वाले सेट को प्रैक्टिस कीजिए तो समझ आएगी चीज़ें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 1/2 + 3i, इसका सॉल्यूशन करने का, तो 1/2 + 3i है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमने रेशनलाइज किया ताकि चीज़ें आसान बन जाए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
ये रहा 1/2 प्लस 3i ओटा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस 3 ओटा, 2 माइनस 3 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा 2 माइनस 3 ओटा और यहाँ बनेगा 4 और माइनस माइनस प्लस 9। तो यहाँ पे कट के सॉरी यहाँ दो अलग अलग पार्ट में रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, मीन्स दैट 2/13 होगा, -3/13 i ओटा होगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आयोटा और रियल पार्ट में अलग अलग तोड़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NP5 इज इक्वल टू है 20 × NP3। तो हमें यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, हमें n का वैल्यू, तो परमुटेशन का एक रूल है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है परमुटेशन का, तो इस पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं इसका, सवाल में ये दोनों इक्वल दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो रूल है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 होता है, अगर यहाँ r रहता तो n माइनस r हो जाता, 20 का 20 छोड़ दिया, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। यहाँ पे 1/(n-5) है, n माइनस 3 को कैसे लिखेंगे, n माइनस 3, n माइनस 4 और एक घट जाता है तो n माइनस 5, इसलिए इस फैक्टोरियल से इस फैक्टोरियल कट जाता है। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आएगा 20 और इस 20 को उधर लेफ्ट पे जाएंगे तो -8, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 8 आएगा। मीन्स दैट के परमुटेशन का प्रॉपर्टीज होता है कि परमुटेशन का प्रॉपर्टीज होता है कि एक घटाकर, जैसे n माइनस 5 है तो n माइनस 3, n माइनस 4 ऐसे करके घटाकर काम करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल देखते हैं तो इसका आंसर आएगा n का वैल्यू 8, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो समझ आ जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए n का वैल्यू 8 है ऑप्शन नंबर दूसरा में। फिर नेक्स्ट है ये प्रोबेबिलिटी का ये थ्योरम है कि प्रायिकता होने और नहीं होने का जो सम होता है वो एक होता है, मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, होने का प्रोबेबिलिटी नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख पा रहे होंगे a = 3+3 i ओटा है और हमें एंगल निकालना है। तो जी हाँ, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देकर और हमें से एंगल पूछे थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है रियल इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मीन्स दैट कि चलिए आपको दिखाते हैं, समझ में नहीं आएगा ऐसे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक वेक्टर है, एक वेक्टर है और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए। एंगल ए का मतलब टैन थीटा होता है और टैन थीटा होता है इमेजिनरी अपॉन रियल, तो इमेजिनरी 3 है और रियल भी 3 है, एक बार में कटेगा तो टैन थीटा का वैल्यू 1 आएगा। तो थीटा का वैल्यू हम बोल सकते हैं कि टैन इनवर्स 1, और टैन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है, तो इसका एंगल जो बनेगा वो पाई बाई 4 बनेगा। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता 1/4 है तो होने की संभावना कितनी होगी। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर नहीं होने का दिया रहे या होने का दिया रहे तो, और एक दूसरा नहीं होने का पूछ दे, यानी कि प्रायिकता होने का दिया रहे और नहीं होने का पूछ दिया तो 1 में से ही घटाएंगे, और नहीं होने का दिया रहे और होने का पूछ दिया तो हमेशा 1 में से ही घटाएंगे, क्योंकि पीछे इसी सेट में हम लोगों ने क्वेश्चन एक को देखा था कि होने और नहीं होने का सम 1 होता है, इसी वजह से 1 में से घटाएंगे तो आंसर बनेगा 3/4, जो कि ऑप्शन देखेंगे चेक करेंगे 3/4 है कि नहीं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि नहीं होने की संभावना 3/4 नहीं है, सॉरी है ऑप्शन नंबर दूसरा में 3/4, देख पा रहे होंगे दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+y/3m में पदों की संख्या कितनी होगी। तो जी हाँ, पदों की संख्या जो होती है पावर में एक जोड़कर होता है, जैसे x+y2 में x²+y²+2xy होगा, यानी कि टोटल यहाँ 3 टर्म्स है, तो जो पावर होगा उसमें एक जोड़ करके पदों की संख्या होती है, तो यहाँ पावर 3n है तो 3n+1 करेंगे तो पदों की संख्या निकलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट बोल रहा है x→0 है, x²+4 के अंडर रूट है और यहाँ पे दिया हुआ है -2, यानी कि ये -2 अलग है और यहाँ भी दिया है x²+9 का अंडर रूट और -3 अलग है,
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट अंडर में है माइनस टू दिया हुआ है, और यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फोर और यहाँ माइनस थ्री दिया है। हम ये करना चाह रहे हैं ऊपर से ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू से ऊपर गुना भी करा रहे हैं और नीचे भागो भी करा रहे हैं। ऐसा करने से तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे करा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस थ्री से ऊपर नीचे गुना भाग कर रहे हैं, तो गुना भाग करने से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कट के फिर से वही चीज़ आएगा, लेकिन हमें लिमिट सॉल्व करने में आसानी होगी क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर और दो दुना चार माइनस चार तो कट जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा और ये वाला पार्ट ऊपर का ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट में अगर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे वही चीज़ें बच जाएगी, तो एक्स स्क्वायर कट भी जाएगा और लिमिट में अब एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा थ्री बाई टू। तो यहाँ आंसर आ जाएगा थ्री बाई टू, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इनमें से सॉरी ये वाला हम क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा थ्री बाई टू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिमिट दिया हुआ है एक्स टेंस टू पाई बाई टू है, मतलब कि एक्स की जगह पे हम पाई बाई टू रखना है, लेकिन साइन एक्स माइनस पाई बाई टू है और नीचे में एक्स माइनस पाई बाई टू दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिमिट है एक्स टेंस टू पाई बाई टू है और साइन के अंदर एक्स माइनस पाई बाई टू अपन एक्स माइनस पाई बाई टू है, तो यहाँ से x के जगह पे हम बात करेंगे तो पुट करेंगे पाई बाई टू प्लस एच, जहाँ h टेंस टू जीरो होगा, तो ऐसा करने से अब बन जाएगा साइन h अपॉन h, क्योंकि x माइनस पाई बाई टू इजल टू हम x h पुट कर लिए हैं, तो यहाँ से h बनेगा x माइनस पाई बाई टू। यहाँ से ये वाला पाई बाई टू को अगर हम इधर ले आएंगे तो x माइनस पाई बाई टू बनेगा जो कि h के बराबर होगा, तो साइन h बाई h किसके बराबर हुआ, तो ये फार्मूला होता है कि लिमिट h x h टेंड टू जीरो रहेगा और साइन x बाई x का वैल्यू एक होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वन बनेगा। आप ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं और वन यानी कि ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट जो बोल रहा है जेड बराबर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर एट प्लस सिक्स आयोटा, तो इसका बोल रहा है हमें मापांक चाहिए मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके और उसका वर्गमूल निकालते हैं, तो अट्ठी अट्ठी चौंसठ और छवा छक छत्तीस, छ हुआ रियल इमेजिनरी पार्ट, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो चौंसठ और छत्तीस सौ और सौ का वर्गमूल दस, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बहुत आसान इंटीग्रेशन है वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, वन बाई साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, चलिए इसका देख ही लेते हैं। तो वन बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखे कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है फार्मूला होता है माइनस कोटेक्स प्लस सी, तो ये फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन था माइनस कोटेक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी बहुत आसान है, ये टेन वर्स एक्स का होता है और जीरो से वन लिमिट है, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे अगर वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो से वन लिमिट है तो इसका जो फार्मूला बनता है वन बाई प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन वर्स एक्स और जीरो से वन लिमिट है, एक बार वन पुट करेंगे एक बार जीरो पुट करेंगे तो टेन वर्स वन का वैल्यू पाई बाई फोर हुआ और जीरो का जीरो बन गया, इस तरह से पाई बाई फोर हो जाएगा इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट में वही है लेकिन अंतर है लिमिट का, मतलब कि वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर तो टेन वर्स एक्स ही बनेगा लेकिन रूट थ्री से वन लिमिट है, मतलब कि अपर लिमिट वन है और लोअर लिमिट रूट थ्री है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है इस सवाल पर, तो इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला बनेगा वो टेन वर्स एक्स बनेगा और लिमिट रूट थ्री से वन है, तो यहाँ भी रूट थ्री से वन किया, अब एक बार अपर लिमिट रखा तो टेन वर्स वन बना और यहाँ बना टेन वर्स रूट थ्री, यहाँ देखिए वन छूट गया है अपर लिमिट पुट किया तो टेन वर्स वन का वैल्यू पाई बाई फोर होगा और टेन वर्स रूट थ्री का वैल्यू पाई बाई थ्री, और इसमें से इसमें घटाएंगे तो माइनस पाई बाई ट्वेल्व होगा जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। तो इस तरह से आज का कंप्लीट हुआ 25 क्वेश्चन। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह मेरे से जुड़े रहें और भी आगे की वीडियो प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको लाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी थैंक्स।